जनता के फेल है। एक महीने से ज्यादा से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट पहले कश्मीर में चल रहा था, जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर में चला, हिंदूज की टारगेट किलिंग्स हो गई, राहुल भट्ट जी, विजय कुमार जी, रजनी बाला जी। उसके बाद एक महीने से हम गवर्नमेंट को सिर्फ ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात ख़राब है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हिंदूज को जो है सिलेक्ट करके मारा जा रहा है दफ्तरों के अंदर। तो हमें जो है आप जम्मू में रिलोकेट कीजिए या कश्मीर डिवीज़न के बाहर कहीं पर भी, जब तक कि ना वहाँ हालात ठीक हो। सिंह जी, सबके सबसे यही हमारी डिमांड है, जो आजकल की जो सरकार है हमारी, बीजेपी की सेंटर में सरकार है, यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार, हमने उनसे बात की, हमारी डेलीगेशन उनसे भी मिली, वहाँ पे हमारा सिंगल पॉइंट डिमांड था, सिंगल पॉइंट कि हमारी जो है रिलोकेशन कीजिए आप टू जम्मू, जब तक इन वहाँ हालात ख़राब हो। बाकी ये जो वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न कैडर आपको बनाएंगे, आपकी सीनियरिटी करेंगे, आपकी प्रमोशन करेंगे, वो रूटीन मैटर है, वो करते रहिए। कि 12 साल तक क्यों नहीं किया, तो वो तो रूटीन मैटर है, वो चलता रहेगा। बट जो अभी हमारी डिमांड है, हमारी जानें जो है सुरक्षित कीजिए, हमारी जान बचाइए आप, जब हालात ठीक हो जाएंगे हम जाएंगे। जिस तरह से आप अभी, किसी ने नहीं किया है, सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट्स पर है, प्रोटेस्ट साइट्स पे यहाँ पर भी है, कश्मीर में भी है, ठीक है ना, ट्रांजिट कैंप्स में वो वहाँ पर है, उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। बाकी जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ट्रांजिट कैंप में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारी सिंगल पॉइंट डिमांड है रिलोकेशन।